वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और चूंकि सुबह से हम कुछ शकील किस्म की गुफ्तगु कर रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि कुछ लाइटर मूड भी होना चाहिए और शो में कुछ हम ऐड करते हैं। तो अभी मैंने आपको आगाज में बताया कि आज हम कुछ एक्टिविटी भी कराने वाले हैं अपने सेट पर, कि मेकअप किस तरह का होता है, क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहा है। और वही बात, दिसंबर, जनवरी, ये सारे शादियों के महीने डिक्लेयर हो जाने चाहिए, सब लोग इन महीनों में शादियाँ करते हैं। और फिर खवातीन की परेशानी होती है किस तरह का मेकअप होना चाहिए, क्या ट्रेंड चल रही है, इस हवाले से हम आपको बताएंगे। और उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी आकाशा, उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अक्षा। सॉरी अक्षा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, अक्षा तो हमारे साथ मौजूद हैं ही हैं, उसके साथ साथ आजकल हम पाकिस्तानी मूवीज की बात करते हैं, इतनी जबरदस्त मूवीज बन रही हैं, इतना जबरदस्त काम हो रहा है। आप जैकपॉट मूवी का किसने नहीं सुना होगा, क्योंकि अब वो सिनेमा घरों की जीनत भी बनी हुई है। और उनकी प्रोड्यूसर हमारे साथ मौजूद है, उसके साथ साथ से वो प्रोड्यूसर नहीं है बल्कि आज चूंकि एक फैशन सीरीज है, जो हम मल्टी ब्रांड एग्जीबिशन की बात करते हैं, लेकिन ये ब्लिंग इट ऑन के नाम से एक फैशन सीरीज है जो ये रन भी करती हैं। और इसके दो आई गेस एग्जीबिशन हो चुके हैं, मजीद कितने प्लान इन्होंने किए हैं हम जानेंगे। सादिया खान से इनको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सादिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट, मजे में। अच्छा सादिया, सबसे पहले तो आपके जैकपॉट मूवी के हवाले से पूछेंगे, बड़ी अच्छी मूवी थी, मैंने रिव्यूज पढ़े उसके सारा कुछ, क्योंकि मुझे पता था आपने आना है तो मैं सारा कुछ होमवर्क किया हुआ था। तो किस तरह का रिस्पॉन्स आया, अब दोबारा से सिनेमा में लगी है तो क्या आपको फीडबैक मिला? फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अच्छा था और दोबारा भी अच्छा है, बट सिंस वी बीन टू सो मैनी प्रमोशनल इवेंट्स एंड सो मैनी मॉर्निंग शोज, सो मैनी चैनल्स, और हर दफ़ा जो है ना हम इसी बात पे जोर देते थे कि फिल्म जो बनाना ना पाकिस्तान में, इट्स इक्वलेंट टू अ जहाद, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर ओन मनी, इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड योर एनर्जी, एंड यू हैव नो आइडिया हाउ इट्स गोना कट आउट। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ी एफर्ट है जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तानी सिनेमा के रिवाइवल के लिए है। उसमें सबसे ज्यादा जो कोऑपरेशन है ना, वो हमारी अपनी आवाम की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, बिकॉज एक फिल्म बनाने के लिए ना आपका ब्लड एंड स्वेट लगता है, अपार्ट फ्रॉम योर मनी फैक्टर। तो हम हमेशा लोगों को ये कहते थे कि सिनेमाज में जाएं, इंडियन फिल्म अगर आपके साथ खड़ी है तो प्लीज खुदारा अपनी फिल्म को पहले जगह दें। और इंडियन फिल्म को अब आप देखें, इंडियन इंडिया में कभी दे एंड वी आर नॉट अलाउड टू पुट अप आवर फिल्म्स देयर इन इंडिया। ठीक है, तो अगर आप सिनेमा में जा रहे हैं और आपका मुकाबला किधर इंडियन फिल्म लगी है इधर पाकिस्तानी, तो प्लीज अपने घर में पहले अपनी फिल्म को जगह दे, बाकी सब कूल है। तो जैकपॉट का रिस्पॉन्स ओवरऑल अच्छा आया, और दोबारा से क्या फीडबैक मिल रहा है हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जैकपॉट चूंकि बड़ी जबरदस्ती मल्टी स्टार मूवी थी, उसमें बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा होगी, तो उस वाले से थोड़ा बताएं। अरे जैकपॉट बेसिकली एक ऐसी फिल्म थी जिसके अंदर एक पापराजी ऑफ कैरेक्टर्स, इट वाजंट कहते ना कि एक हीरो हीरोइन बेस्ड फिल्म नहीं थी। हाँ, exactly. ठीक है, उसमें एक लॉटरी टिकट के पीछे सारी कास्ट भाग रही है, एंड इट वाज द होल पापराजी ऑफ दैट इवेंट। वो एंड पे किसको लॉटरी मिलती है किसको नहीं, ये फिल्म का बेसिक फ्लेवर था। उसके अंदर सनम चौधरी, सना फखर, वी हैड नूर हसन, वी हैड एन इंडियन एक्ट्रेस, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द फिल्म वाज शॉट इन थाईलैंड। और इतनी एक्ट्रेसेस की स्टाइलाइजिंग की जिम्मेदारी मेरी थी, सेट्स की जिम्मेदारी मेरी थी, तो बहुत एक बड़ा टास्क था। व्हेन यू वर्किंग विद बिग नेम्स एंड everybody you know have their own tantrums and everything, and so you have to deal with it anyway. Nahi bhai, everybody was very supportive. Main se ko maine bhi bada learn kiya, aur bahut mushkil tha kyunki hamara mostly jo hamare scenes hote the na usme sari cast ne ikatthe matlab वो एक चैलेंजिंग फैक्टर था, पर अलहमदुलिल्लाह अच्छा किया और बड़ा कुछ सीखा और लोगों ने बड़ा पसंद किया। जबरदस्त। अच्छा, क्या आपके स्टूडियो के हवाले से मैं थोड़ा सा बताएं, कब से आप करी हैं मेकअप और सारा कुछ? वैसे तो मुझे बचपन से ही क्रेज था लाइक मेकअप का, हर लड़की को होता है, तो वो मैं करती थी, लेकिन फिर मैंने प्रोफेशनली किया 2014 में स्टार्ट किया। अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तब से स्टूडियो है, मेरा अपना स्टूडियो है अक्षा आतिफ के नाम से। अक्षा आतिफ के नाम से, और जनाब ये मॉल टाउन में। अक्षा, हम चाहेंगे थोड़ा सा डेमो हम आपके मेकअप का देखें, क्या आप करने वाली हैं मॉडल के ऊपर, तो हम उस तरफ चले और फिर मेकअप देखते हैं। अच्छा जनाब, अक्षा तो हमें कुछ करके दिखाएंगी और उसके साथ साथ हमें पता होगा कि जनाब इन्होंने किस तरह के ट्रेंड्स हैं, किस तरह का मेकअप जो है वो किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ सादिया में दोबारा आपकी जाने आऊंगी। फैशन सीरीज आपने शुरू की है ब्लिंग इट ऑन, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या कॉन्सेप्ट था उसका, उस हवाले से हमें बताएं। बेसिकली हमेशा से सिंस पास्ट फ्यू इयर्स, एक तो आई हैव ऑलवेज बीन इनटू इवेंट प्लानिंग एंड फैशन शुरू से, जैसे हमने कुछ सीरियल्स बनाए, मतलब मी एंड शेब, यू ऑलवेज शेब इज माय हस्बैंड द डायरेक्टर ऑफ जैकपॉट, तो हमने हमेशा एक साथ ही काम, आई हैव ऑलवेज वर्कड अंडर द बैनर ऑफ शुएब खान फिल्म। तो हमेशा हमने तो शुएब के जितने भी सीरियल्स होते थे या फिल्म उसका मेगा प्रोजेक्ट था, उसकी स्टाइलिंग की और सेट्स की मेरी जिम्मेदारी होती थी। आई हैव बीन शुरू से इनटू फैशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। तो जब मैं फिल्म से फ्री हुई तो मैंने सोचा कि एक लाहौर में स्पेशली वेडिंग एक्सपोज तो बहुत होती है, फूड मेलास बहुत होते हैं, पर एक फैशन
सीरीज जहाँ पे लोग जाएं तो उनको ऐसे प्रोडक्ट्स मिले और ऐसी एक्टिविटी मिले जो फैशन रिलेटेड हो, यंगस्टर्स के लिए भी हो, बच्चों के लिए भी हो. तो मैंने उस तरह के कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के एक सीरीज निकाली जिसमें बैलरीना डांसेस मैंने कराए, टोडलर्स फोटोग्राफी कराई, फैशन रैंप पे टीनेज ब्रांड्स को लेके आई. इस तरह की मैंने एक्टिविटीज कराई जो नॉर्मली आपको एग्जीबिशन में रूटीन से हट के उसका डेकोर मैंने बड़ा विंटेज किस्म की एक थीम दी, जो नॉर्मली एक टिपिकल स्टीरियोटाइप टेबल कुर्सी वाली एग्जीबिशन से हट के मैंने अपना काफी इन्वेस्टमेंट उस पे की और अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट रियली वेल एंड पीपल रियली अप्लॉडेड मी फॉर माय. दो इसके हो चुके हैं जी. ब्लिंग इट ऑन मेरी कंपनी का नाम है. अक्टूबर में था अक्टूबर ब्लिंग, जनवरी में मैंने किया जे ब्लिंग, और एक अपकमिंग वेंचर है वो आप पूछेंगी तो मैं फिर बता दूंगी. बिल्कुल. लेकिन अच्छा, चूंकि हम फैशन आपके ब्लिंग सीरीज के हवाले से बात करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग ब्लॉगर्स ये सारा कुछ बहुत हाइप रही आपके इस इवेंट की, उस पे भी वर्किंग करना आजकल के दौर में बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. आई थिंक प्री हाइप एंड पोस्ट हाइप ऑफ द इवेंट दैट आर आई थिंक दो टू मेन कोर इश्यूज. तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग मेरी सोशल मीडिया की हाइप की वजह से देखने आए और अभी तक आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ रिस्पांस के मतलब ऐसा एक आई हैव सीन ऑन सोशल मीडिया. आई वाज फॉलोइंग सो मेनी ब्लॉगर्स इन देयर वर लॉट ऑफ स्टोरीज एंड मैंने आपको आते ही कहा कि मैंने वो देखा है, मुझे आई नो अबाउट द इवेंट एंड ऑल. बट देन अगेन आई हैड अ होल टीम बिहाइंड मी. अकेला बंदा कभी भी कुछ नहीं होता. मेरे बहुत सारे लोग जो मेरे साथ काम कर रहे थे, मेरे सेट्स पे थे, मेरा पीआर देख रहे थे, सबकी मेहनत है इसके अंदर. अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया और एक अगला एक मेरा पाइपलाइन जबरदस्त. वो अगला इवेंट क्या पाइपलाइन में ये हम जरूर सादिया से पूछेंगे. इनके हवाले से, मेकअप के हवाले से भी हमारी एक्टिविटी जारी है. लेकिन अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. आप देखते रहिए जागो लाहौर.